Hi, hello everyone. This is Chakit from BAC Global Education. Today I am here to talk to you about a serious issue. Also the opportunity, also the solution of the student journey. तो जो भी बच्चे ये वीडियो देखेंगे, जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देखेंगे, उनको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है. I am going to discuss about the financials which are required in order for you to study abroad. Financials एक ऐसी बहुत important step है जो कि आपको sort out करनी चाहिए right from the beginning, so that कि आप ये पूरी जो journey है इसको smoothly achieve कर सको, इसको smoothly पार कर सको, आप अपने destination पे पहुंच सको. होता क्या है कि most of the cases में कि बच्चों को पता नहीं होता है कि how the parents are going to manage the finances, parents को नहीं पता होता है कि कौन कौन से documents required हैं, कौन कौन से documents लगेंगे in terms of कि bank statement चाहिए नहीं चाहिए, ITR होनी चाहिए नहीं चाहिए, recent funds होंगे तो चलेगा या नहीं चलेगा, और ये सारी countries का जो process है that is quite different. तो आपको जो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है वो अपने जो काउंसलर्स हैं जिनके साथ भी आप ये प्रोसेस कर रहे हो या करने जाने वाले हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उनको बहुत ही क्लियरली ये डिफाइन करिए कि आप अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करोगे. फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, जो पेरेंट्स की ITR है दैट शुड बी मिनिमम ऑफ 10 lakhs. आपको 35 to 40 lakh रुपीज आपको शो कर रहे हैं, विच नीड्स टू बी 3 to 6 months ओल्ड, तभी आपको GT क्लियरेंस मिलेगी एंड देन यू विल बी प्रोसीड टू अप्लाइंग फॉर योर वीजा. इन केस ऑफ न्यूजीलैंड यू नीड एटलीस्ट 6 months ओल्ड फंड्स और एजुकेशन लोन, तो इस तरीके से होगा. कनाडा में पुराने फंड शो करने की कोई जरूरत नहीं होती है, यू कैन अप्लाई वीजा विदाउट शोइंग द ओल्ड फंड्स. हाउएवर इफ यू विल शो इनफ फंड्स कि आप इंडिया में फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपके वीजा के चांसेस बढ़ जाएंगे. एंड फॉर UK यू नीड 28 days old funds which covers your fees and living expenses. So हर कंट्री का अपना अपना प्रोसेस है, अपना अपना तरीका है टू मेक श्योर कि आपके पास इनफ फंड्स हैं एंड यू आर अ जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट एंड द पर्पस ऑफ यू गोइंग टू दैट पर्टिकुलर कंट्री इज टू स्टडी बट नॉट टू सेटल. हाउएवर वट एवर योर रीजन्स मे बी, बट सिंस इट्स अ टेम्परेरी एंट्री वीजा, सो आपको मेक श्योर करना है कि आप ये इजीली उनको जस्टिफाई करके दो. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने जो फाइनेंशियल्स है उसको बहुत अच्छे से इजीली मैनेज करो. नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि 100 में से 70% लोग जो होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 70% पीपल हु आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, दे प्लान्स टू गो वाया एजुकेशन लोन. अभी एजुकेशन लोन के लिए आपको ऑफर लेटर का वेट करने की जरूरत नहीं है, आप एजुकेशन लोन ऑफर लेटर आने से पहले भी प्री सैंक्शन करा सकते हो बेस्ड ऑन द स्पॉन्सर हु इज गोइंग टू स्पॉन्सर यू. इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी योर एनी ब्लड रिलेटिव, तो जिससे कि आप उनका रिलेशन प्रूफ करके दे कैन हेल्प यू स्पॉन्सर योर एजुकेशन, दे कैन हेल्प यू गेट द एजुकेशन लोन. एंड दिस कैन बी डन वे बिफोर व्हेन यू स्टार्ट दिस जर्नी. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल्स को ईजीली मैनेज करो, और अगर आपको इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी हमारी मदद की ज़रूरत है, वी आर हेयर टू हेल्प यू. देर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन थ्रू विच यू गाइज कैन कनेक्ट विद अस. वी कैन कनेक्ट यू विद मल्टीपल बैंक्स, मल्टीपल NBFCs विच कैन हेल्प यू डिटरमाइन योर एलिजिबिलिटी एंड वी कैन हेल्प यू गेट द एजुकेशन लोन, जिससे कि आपका जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत बहुत स्मूथ हो जाएगा. So without wasting any time, if you guys are looking forward to have somebody by your side who can help you, guide you and support you during this journey, then we are here to help you. There's a link in the description through which you guys can connect with us and we will be more than happy to help you. Thank you very much. We shall see in our next video. If you have liked this video, then do not forget to hit the subscribe button and share it with your friends and family. Take care. Bye-bye.